कांग्रेस सोशल मीडिया के चेयरमैन अभिषेक ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के बीच तीखे कटाक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री जिस तरह से आपस में आरोप लगा रहे थे, ये देख जनसभा में मौजूद क्षेत्र के लोग और पार्टी के कार्यकर्ता भी हतप्रभ रह गए। राणा ने बताया कि इसके साथ साथ बीते दिनों भाजपा के ही स्टूडेंट विंग एबीवीपी के छात्रों ने भी अनुराग ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिससे ये साफ है कि पार्टी कार्यकर्ता ही अपनी पार्टी की नीतियों से संतुष्ट नहीं है। और जब पार्टी कार्यकर्ताओं का ये हाल है तो समझ लीजिए आम जनता का क्या हाल होगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जिस तरह जनता और विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, इससे प्रदेश शिखर की ओर नहीं बल्कि बेरोजगारी और गरीबी की ओर जा रहा है। सरकार पर कटाक्ष करते हुए अभिषेक ने कहा कि डबल इंजन की इस सरकार ने तो प्रदेश की प्रगति और उन्नति की ही रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए। राणा ने कहा कि धीरे धीरे पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और मंत्रियों का ही पार्टी की नीतियों से मोह भंग हो रहा है, जो ये दर्शाता है कि सरकार देश और प्रदेश को पारस्परिक समन्वय से चलाने में असमर्थ है। अनुराग ठाकुर जी के बीच में जो टकराव हुआ, जिसके कारण आज प्रदेश का विकास जो है उस पर लगाम लग चुकी है, ब्रेक लग चुकी है। पीछे भारतीय जनता पार्टी का जो यूथ विंग है एबीवीपी, जो केंद्रीय मंत्री के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करता रहा, कि जो उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, संसदीय क्षेत्र में बड़े बड़े वादे किए, आज वो कहाँ है। तो केंद्रीय मंत्री पहले कांग्रेस पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाते रहे कि राज्य में उनकी सरकार है, हम कुछ कर नहीं पाए। अब डबल इंजन की सरकार में भी अपनी ही सरकार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि अपनी सरकार की नाकामियों की वजह से आज जो है काम प्रदेश के अंदर और उनके संसदीय क्षेत्र के अंदर नहीं हो पा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो पहले दिन से कह रही है कि सारी नाकामी जो है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार की है, जिसका प्रमाण खुद केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज जनता के सामने दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जाके ये कह रही थी कि उनके राज में शिखर की ओर हिमाचल जाएगा, लेकिन आज भाजपा के राज में शिखर की ओर बेरोजगारी है, शिखर की ओर गरीबी है और भ्रष्टाचार जो है वो इस सरकार में चरम सीमा पर है। आज जनता देख रही है, जान चुकी है कि अफसरशाही इस सरकार पर भारी है। अपने ही लोग, इनकी विचारधारा से संबंध रखने वाले लोग इनसे खफा हैं, इनकी नीतियों से असंतुष्ट हैं और आने वाले समय में जनता जो है इसका मुंह तोड़ जवाब जरूर देगी।